मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं महाराष्ट्र में अकोला सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम मेंटल पेशेंट को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रखते हैं और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मेंटल पेशेंट को हम रिश्तेदारों के अलावा भर्ती रखते हैं विदाउट रिलेटिव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मानसिक बीमारी जिसको मन का कैंसर कहा जाता है, खतरनाक है, छिन्नमाना स्प्लिट पर्सनैलिटी के बारे में। इसको स्किजोफ्रेनिया भी कहते हैं और ये दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 100 में से एक व्यक्ति को ये होता है। तो समझो हमारी पॉपुलेशन इंडिया की 120 करोड़ है और उसमें से बहुत एजेड वृद्ध लोग निकाल दिए, बच्चे लोग निकाल दिए और करीब करीब समझ के लो कि 70-75 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारी है वो एक एडल्ट की है, एडल्ट लोगों की है। तो कम से कम 60-70 लाख लोग स्किजोफ्रेनिया के हमारे देश में होना चाहिए। ऐसा हो जाता है कि करीब करीब 26 करोड़ लोग पूरे दुनिया में ये बीमारी से ग्रस्त है। ये बीमारी में लोगों को सुसाइड करने, खुदकुशी करने की विचार आते हैं और खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग हैं 10-15% लोग और उसमें से काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं। 27% लोगों को कुछ ना कुछ एडिक्शन से बीमारी में होता है, कुछ ना कुछ लत लग जाती है और 5% लोग कुछ ना कुछ क्राइम करते हैं। इसलिए ये बीमारी को ठीक करना और जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पहली स्टेज में उसमें उसको पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छा है, उसका इलाज पूरा पक्का अच्छा हो सकता है। इसमें होता क्या है कि एक तो इसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, आदमी काम नहीं कर सकता, उसका इनकम कम हो जाता है, अकेला अकेला बैठे रहता है, अकेले में अपने विचारों में गुम रहता है। और उसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी इसलिए कहा जाता है कि थॉट मूड्स इसमें तफावत आ जाती है। मतलब समझो उसको कोई दुख की बात बोलना है तो वो भी हंसते, समझो कोई घर में मर गया या कोई माँ या उसके पिताजी मर गए, समझो ऐसा कुछ हम पूछ रहे हो उसको तो वो हंसते हंसते बोलेगा कि मेरी माँ मर गई। तो उसमें मूड और विचार इसमें तफावत आती है, स्प्लिट दिखता है इसमें। और थॉट डिसऑर्डर ये है स्पेशली जिसमें थॉट्स अलग अलग प्रकार के थे, विचार आते हैं। विचार ऐसे होते हैं कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, दूर कहीं लोग खड़े हैं तो उनको लगता है कि लोग आपस में मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या मेरी न्यूज़ जो है वो टीवी पे रेडियो पे चल रही है, लोग मेरे को खाने में कुछ मिला के दे रहे। ऐसा उसके विचार जो है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें प्रॉब्लम आता है विचारों में, थॉट। और ऐसे फिक्स थॉट्स हो जाते हैं, उसको पूछा गया तो वो बोल नहीं सकता ऐसा क्यों लगता है, मगर वो लगता है उसको। फिर दूसरा उसका जो है वो है परसेप्शंस, जिसमें प्रॉब्लम आते हैं। जैसे हमारा परसेप्शन, हमारा जो 5 इंद्रिय है तो इसमें प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कान, जो कान के भ्रम होते हैं, कान में आवाज़ें सुनाई आती है, कोई आ रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, बहुत चिल्लाहट हो रही है, लोग दौड़ रहे, भाग रहे, ऐसा उसको कान में सुनाई आता है। या कोई ऐसा लगता है कि कोई उससे लोग बातें कर रहे हैं। या उसको जीवा का भ्रम होता है कि जिसमें उनको लगता है कि भाई मुझे कोई खाने में मिला के दे रहा है, कोई पॉइजनिंग कर रहा है। या उनको ऐसा लगता है कि चमड़ी में कोई कीड़े चल रहे हैं। या उनको कुछ दिखाई देता है कि कोई लोग आ रहे, कोई मार रहे, क्या ऐसा उनको दिखाई भी देता है। इसमें मूड में एक तो मूड जो है वो एकदम एपेथेटिक हो जाता है। एपेथेटिक मतलब उसमें ना खुशी है ना गम है, एकदम फ्लैट मूड, मतलब ऐसा कोई दिखाई देता नहीं उसके चेहरे पे, ना खुशी है ना गम है, कोई मूड दिखाई देता नहीं, एपेथी बोलते हैं उसको, एपेथेटिक मूड है। और इनके बिहेवियर में अलग अलग हमको चीज दिखाई देती है कि जैसा कभी ये वायलेंट हो जाते हैं, कभी मारपीट कर देंगे, अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप से ऐसे हाथों से इशारे करेंगे, अपने आप से हंसेंगे, अपने आप से बोलेंगे, लगता है कि किसी से भी बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं रहता, ये खुद से बात करते रहते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं। ये जो है ये जितना अच्छा, ये जितना जल्दी हम ये बीमारी पकड़ सकेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि होता क्या है कि शुरू शुरू में मालूम ही नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति बीमार है करके, और फिर जब ज़्यादा हो जाता है तब फिर डॉक्टरों के पास में लेके आते हैं। पहले क्या था कि पहले कुछ 50 साल पहले ये बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं थी, लोग इनको बांध के रखते थे, बाहर का कुछ तो भी गया है, भूत पलीत है,
उनको कहीं दरगाह मंदिर में ले जाओ, वहाँ उनको बांध के रखो, ऐसा इलाज करते थे। आज हमें यह पक्का पता है कि केमिकल लोचा जो है, मतलब डोपामिन जो है ब्रेन का, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ तैयार होता है या उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है करके बीमारी होती है, हमको मालूम पड़ा है। इसमें स्पेसिफिक ड्रग्स है, मेडिसिन है, और वो मेडिसिन हम लेते हैं तो ये बीमारी काफ़ी मात्रा में अच्छी हो जाती है। एक महीना तक ये समझो सब पूरे लक्षण दिखाई दिए तो हम उसको बोल सकते कि ये स्किजोफ्रेनिया है, पर एक महीने से यदि कम है तो हम उसको बोलते कि एक्यूट साइकोसिस है। इसका इलाज मेडिसिन से होता है या बहुत ज़्यादा यदि बीमारी हो गई, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, मारपीट चल रही है और कोई कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो डॉक्टरों के पास जाते नहीं है, अंधश्रद्धा है, वो जाते हैं मंदिर में, दरगाह में जाएंगे, कोई बाबा के पास में जाएंगे, वहाँ उसका इलाज करेंगे। आपके आजू बाजू में ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको आपको लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है, अकेला अकेला रहना, बातचीत नहीं करना, कभी ऐसी उल्टी पुल्टी बात करना जो अपने को समझ में ना आए, कभी हंस देना बिना वजह का, या काम पे जाना नहीं, ऐसा कुछ भी दिखाई देता है कि गड़बड़ है। ये लोग शक भी बहुत करते हैं, औरत रहे तो अपने आदमी के ऊपर, मतलब पति के ऊपर शक, पति रहा तो पत्नी के ऊपर शक, कैरेक्टर के ऊपर शक करते हैं। तो ऐसा कुछ भी चल रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए भाई ये कहीं मतलब गलत दिशा में जा रहा है, ये बीमारी हो सकती है। तो ये वीडियो काफ़ी लोगों को आप शेयर करो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और लोगों को मालूम पड़े कि ये बीमारी है, इसका इलाज होना ज़रूरी है, और वो साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो उसका इलाज बेशक अच्छा हो सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ इसमें लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।